चुड़ैल और पिसाच का नाम सुनते ही एक अजीब सा चेहरा हमारे सामने आ जाता है। ये चेहरा ना हमें सोने देता है, ना ही किसी काम में फोकस करने देता है। आज की मिस्ट्री चेहरे से ही शुरू होती है और चेहरे पे ही खत्म। 18th सेंचुरी में ऑल ऑफ अ सडन जापान की सड़कों पर से बच्चे गायब होने लग जाते हैं और केसेस बढ़ जाने पर पता चलता है कि एक चुड़ैल इन बच्चों को मारते जा रही है। बच्चों के बाद धीरे धीरे जवान लोगों की लाश भी सड़कों पर मिलने लग जाती है। एक टाइम पे सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि जापान के इस शहर को बंद करने तक की नौबत आ जाती है। इस बार कोई मर्डरर नहीं बल्कि एक चुड़ैल ने सबको दहशत में डालकर रख दिया था। आज बात करते हैं एक ऐसी चुड़ैल के बारे में जो सुंदरता के सही मायने सबको समझाना चाहती थी, लेकिन उनकी जान की कीमत पर। ये कहानी है जापान की सबसे खौफनाक आत्मा के बारे में, जिसका नाम था कोचिसाके ओना। ये घटना जापान में 18th सेंचुरी की है। देर रात पुलिस सिटी में पेट्रोलिंग कर रही थी। एक सड़क पर पुलिस देखती है कि एक औरत एक लड़के का पीछा कर रही थी। औरत ने कोट पहना हुआ था, चेहरे पर मास्क लगाया था और हाथ में एक कैची थी। वो जैसे ही उस लड़के पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पुलिस उसे पकड़ लेती है। जैसे ही उस औरत का मास्क अलग किया जाता है, पुलिस वाले डर कर पीछे हट जाते हैं। उस औरत का मुंह एक कान से दूसरे कान तक फटा हुआ था। सिर्फ यही एक इंसिडेंट हुआ था, ऐसा नहीं है। कभी बच्चों की लाश सड़कों पर मिलती या फिर बच्चे गायब हो जाते। स्कूल से गायब होना, स्कूल बस के पास जाते हुए मर जाना, घर के सामने वाली लेन में मौत का शिकार बनना, भरे बाजार से गायब हो जाना, शाम को पार्क से डरावनी लाशों का मिलना और ऐसे कई केसेस पुलिस के सामने आने लग जाते हैं। जितने भी लोगों की लाश मिलती है उनमें दो पैटर्न सिमिलर होते हैं। या तो उनकी छाती पर वार किया गया था या फिर उनका मुंह एक कान से दूसरे कान तक फाड़ दिया गया था। पुलिस को इसका कोई सबूत नहीं मिल रहा था कि ये आखिर कौन कर रहा है। उनके पास थी तो सिर्फ एक लाश और उस पर चाकू जैसे किसी औजार से वार करने के घाव। कुछ ही दिनों बाद पुलिस स्टेशन पे एक लड़का आता है और वो ये क्लेम करता है कि वो कोचिसाके ओना से बचकर वहां तक पहुंचा है। आगे की पूछताछ में वो ये बताता है कि कोचिसाके ओना एक औरत है जो कंटिन्यू अपने चेहरे पर मास्क पहने रहती है। ये लड़का अपने एक दोस्त के साथ था जब कोचिसाके ओना उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने इनसे पूछा कि क्या वो सुंदर दिखती है, तो इस लड़के के दोस्त ने एक झटके में ना में जवाब दे दिया और जैसे ही उसने ना कहा, कोचिसाके ओना ने एक कैची से उसकी छाती पर वार करके उसे वहीं पर मार दिया। इस लड़के ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो जहां भी मुड़ता कोचिसाके ओना उसे वहां दिख जाती। तभी उसे उसका भाई सामने दिखता है और जैसे ही वो उसके भाई के पास पहुंचता है, कोचिसाके ओना वहां भी आ जाती है। वो वापस उस लड़के के भाई से पूछती है कि क्या वो सुंदर दिखती है। लड़का अपने भाई को हाँ कहने के लिए कहता है। जैसे ही उसका भाई हाँ कहता है, कोचिसाके ओना अपना मास्क उतारती है। कोचिसाके ओना का मुंह एक कान से दूसरे कान तक फटा हुआ था। वो वापस पूछती है कि क्या वो अब भी सुंदर दिखती है। लड़के का भाई हाँ में जवाब देता है। इतना सुनने के बाद कोचिसाके ओना उसका भी मुंह अपने जैसा फाड़ कर रख देती है। जैसे ही वो लड़के की तरफ बढ़ती है, लड़का बिना कुछ सोचे समझे अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालकर उस पर फेंक देता है और इस बार जब वो भागता है तो उसके पीछे कोई चुड़ैल नहीं आती। जो लोग चुड़ैल से बचने में कामयाब हो जाते हैं वो बताते हैं कि चुड़ैल से भागने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब वो सवाल पूछे तो उसे ये जवाब दे दिया जाए कि वो एवरेज दिखती है। इस पर वो कुछ देर सोचने लग जाती है और आपको भागने का टाइम मिल जाता है। लेकिन जितने भी लोग वहां से बचे हैं वो बाद में किसी ना किसी हादसे में मारे गए हैं। केस को सॉल्व करते हुए पुलिस को गायब हुए कुछ बच्चे मिल जाते हैं।
तो वो इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस कंसिडर करके केस को बंद कर देते हैं और इसके बाद ये इंसिडेंट होना भी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस था तो मर्डर करने की क्या जरूरत थी? तो इन्वेस्टिगेटर्स बताते हैं कि कुचिसाकेओना एक पुरानी प्रचलित कहानी है जिसमें कुचिसाकेओना एक समुराई की वाइफ थी। वो बेहद ज्यादा खूबसूरत थी। जब समुराई जंग के लिए बाहर जाया करता था तब कुचिसाकेओना गैर पुरुषों के साथ अवैध रिश्तों में आ जाती थी। एक बार जब समुराई वापस लौटा तो कुचिसाकेओना किसी आदमी के साथ घर पे थी। समुराई ये देख नहीं सका और उसने अपनी तलवार से एक झटके में अपनी पत्नी का मुंह फाड़ कर रख दिया। कहते हैं कुचिसाकेओना को अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड था। वो अपना डरावना चेहरा बर्दाश्त ही नहीं कर सकी और उसने एक कैंची से खुद की जान ले ली। इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि कहानी का सहारा लेकर क्रिमिनल्स डर के जरिए अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो लोग कुचिसाकेओना से बचकर निकले थे उनके बयानों का क्या? पुलिस ने वापस इस केस को कभी रीओपन किया ही नहीं। लेकिन लोग हमेशा यही कहते रहे कि कुचिसाकेओना एग्जिस्ट करती है। वो कुचिसाकेओना के साथ हुए उनके एनकाउंटर्स को कभी भूल नहीं सकते। कुछ टाइम बाद शहर में बच्चे वापस गायब होने लग जाते हैं। इस बार पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था तो लोगों के पास जो जवाब था उन्होंने उसी को सच मान लिया। लेकिन क्या सच में कुचिसाकेओना एग्जिस्ट करती थी? लोग आज भी कुचिसाकेओना के साथ हुए अपने एनकाउंटर्स के बारे में बहुत डिटेल में बताते हैं। क्या कोई अंडरवर्ल्ड गैंग इस कहानी को सच में यूज करके अपने क्राइम को छुपा रही थी? ऐसी कहानियां हमेशा या तो क्राइम और डर बढ़ाती हैं या फिर लोगों को इनसे लड़ने पर मजबूर करती हैं। लेकिन अक्सर लोग भूतों को सच मानकर उनसे लड़ने के बजाय हार मान लेते हैं। जापान में भले ही आज ये इंसिडेंट कम हो गए हों लेकिन कुचिसाकेओना का दिखाई देना आज भी रिपोर्ट किया जाता है। आपको कुचिसाकेओना के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर क्यूरियस को। जल्द ही लौटेंगे और एक मिस्ट्री के साथ।